So this week you are having test from lesson democracy. So let's revise chapter democracy. Democracy means rule of people, in which powers are in the hands of people. It is the best form of government. There is no better option than democracy. It is accountable, responsive, and legitimate government. Accountable means answerable. Responsive government is responsible for the decisions taken by it. Legitimate, rulers are elected by people through elections. In democratic countries, elections are held after fixed tenure. And elections are held in free and fair manner. India is the largest democracy in the world. And in India, elections are held in free and fair manner. But there are some countries where elections are not held in free and fair manner. ऐसी बहुत सी countries हैं जहाँ पे elections free and fair manner में नहीं होते. Free and fair elections. In India, elections are held in free and fair manner. But there are so many countries जो कि अपने आप को कहती तो democratic हैं. But in those countries, elections are not held in free and fair manner. For example, China. China and Mexico, आप यहाँ पे बता सकते हो. China. Now, what's problem in China? China में सिर्फ एक ही पार्टी मेन है, that is Communist Party. इंडिया में तो ऐसे नहीं है ना. You know about the political system of your country. India में तो coalition government भी बनती है. India में कभी Congress, कभी BJP, and sometimes coalition government is also formed in our country. Coalition means when one political party unable to show its majority, then it joins its hands with other political parties to show majority and to form government. So that is called coalition government. तो कई बार इंडिया में कोलिजन गवर्नमेंट भी बनती है. वेयर एज इन चाइना देयर इज वन मेन पार्टी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी. देयर आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो, बट इलेक्शन सिस्टम ऑफ चाइना डज नॉट अलाउ अदर पार्टीज टू कम इन पावर. ऐसा इंडिया में होता है. फॉर एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट इन सेंटर देयर इज बीजेपी. तो क्या बीजेपी कभी भी अलाउ नहीं करेगी कोई और पार्टी पावर में आ जाए? या फिर एट प्रेजेंट इन अवर स्टेट कांग्रेस इज द रूलिंग पार्टी. क्या नेक्स्ट जब अब इलेक्शंस आ रहे हैं, आप अभी आपके सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या इलेक्शंस, हमारा इलेक्शन सिस्टम ऐसा होगा कि कांग्रेस किसी भी पार्टी को आगे नहीं आने दे? ऐसा होगा? नो, बिकॉज इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर. वेयर एज इन चाइना इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर बिकॉज देयर इज वन पार्टी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी. मैं ये नहीं कह रही वहां पे और पार्टीज नहीं है, देयर आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज, बट इलेक्शन सिस्टम ऑफ चाइना डज नॉट अलाउ अदर पार्टीज टू कम इन पावर. ओनली कम्युनिस्ट पार्टी कैन कम इन पावर. एंड कैंडिडेट्स बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी. मीन्स वही कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, दोज हु आर गिवन परमिशन बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. इंडिया में कोई हमारे कैंडिडेट किसी पार्टी से परमिशन नहीं लेते. रूलिंग पार्टी से परमिशन थोड़ा लेंगे कि कैंडिडेट्स को पार्टीज, नो डाउट पार्टीज कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है, बट पार्टीज आर फ्री टू सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स. यहाँ पे परमिशन नहीं लेनी होती कि रूलिंग पार्टी से पहले परमिशन लाओ फिर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करोगे. नो, इन इंडिया ऑल कैन, एवरी वन हैज गिवन राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. वेयर एज इन चाइना जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेते हैं, ओनली दे कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन. तो मीन्स चाइना को हम कहेंगे वन पार्टी स्टेट. वन पार्टी स्टेट इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन ही नहीं है, तो इसको हम कहीं ना कहीं चाइना को ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे. तो इन बिकॉज इन चाइना इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर. किस वे से नहीं होते? फ्री एंड फेयर मैनर. आपको पता है कि चाइना में फेमाइन है 1958, ये आपको लर्न करना है. 1958 to 61, ये चाइना में फेमाइन के ईयर.
चाइना, एमआईना, ठीक है, फूड क्रॉप्स फेल हुई थी 1958 टू 61 का पीरियड, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई थी वहां पे लोगों को, शॉर्टेज ऑफ फूड हुई थी चाइना में, मैनी पीपल लॉस देयर लाइफ एट दैट टाइम व्हेन देयर वर फेमाइन इन चाइना, व्हेन देयर वाज फेमाइन इन चाइना, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाज आल्सो वेरी पुअर इन दोज डेज, इंडिया की भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी उस टाइम, बट इंडिया में फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं आई, इंडियंस को फेमाइन फेस नहीं करना पड़ा उस ईयर में व्हेन चाइना वाज फेसिंग। रीजन क्या है? डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट सिस्टम्स फॉलोड बाय द गवर्नमेंट इन चाइना, मैंने बोला वन पॉलिटिकल पार्टी, तो वन पॉलिटिकल पार्टी बाकियों को डोमिनेट करके रखती है तो लोग उसे क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते, वेयर एज इन इंडिया देयर आर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, तो ओपोजिशन ही आप कह लो कि ओपोजिशन ही बेस्ट रोल प्ले कर देती है ऐसी कंडीशंस में, ओपोजिशन क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ रूलिंग पार्टी, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमारे तो मीडिया में डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं, मीडिया इज टोटली इंडिपेंडेंट इन इंडिया, इन चाइना मीडिया इज नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, कम्युनिस्ट पार्टी का उन पर होल्ड है, वेयर एज इन इंडिया मीडिया इज टोटली इंडिपेंडेंट, तो मीडिया, और साथ में मैंने बिगनिंग में लाइन बोली थी गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल आंसरेबल, तो हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना था, बिकॉज अवर रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर अकाउंटेबल, दे हैव टू फेस पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शंस आल्सो, उनको लोगों को नेक्स्ट इलेक्शंस में फिर फेस करना, तो वो लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे ना, उनको होता है कि अगर हम नहीं करेंगे नेक्स्ट इलेक्शंस में लोग उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, चाइना में तो उन्हें डर ही नहीं है कि हमें कोई रिजेक्ट करेगा, बिकॉज वहां पे तो आना ही उन्होंने है, मींस कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ पे इंडिया में कंपटीशन है, दैट्स व्हाई अवर गवर्नमेंट, जो हमारी तब गवर्नमेंट थी उसने फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम लोगों को नहीं आने दी, तो यही फर्क था कि हमारी कंट्री में, क्योंकि देयर इन अवर कंट्री देयर आर मल्टी पार्टीज, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंड ओपोजिशन पार्टी इज प्लेइंग इट्स बेस्ट रोल, opposition acts as a watchdog in our country, criticize the functioning of ruling party, highlights its failures, force it to fulfill its promises that it has done in its manifesto. Power में आने से पहले पार्टी अपना एक pamphlet issue करती है जिसमें अपनी policies, programs बताती है, and opposition उसे force करता है कि अपने promises fulfill करे पार्टी, बाद में उसे force किया जाता है by opposition party. चाइना में तो ऐसा है ही, वहां पे तो किसी को है ही नहीं, रोल ही नहीं कोई प्ले करता, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे इंडिया में तब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जो चाइना में, ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आई, फेमाइन फेस करना पड़ा, बट इन इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशन वाज पुअर, बट गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम लोगों को नहीं आने दी, ठीक है, तो चाइना को हम टू डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहते। नेक्स्ट, मैक्सिको, मेक्सिको को फ्रीडम मिली तो आफ्टर फ्रीडम पीआरआई के अंडर चला गया मेक्सिको, पीआरआई की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, पीआरआई की फुल फॉर्म, ठीक है, पीआरआई जो थी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, अब पीआरआई जो थी ना, बच्चे स्कूल तक लेके चलो पीआरआई, PRI always used dirty tricks to come in power. PRI ने हमेशा dirty tricks use किए power में आने के लिए। मेक्सिको में elections after 6 years होते हैं। आपको 3 options मैं बोलूँ। In this country, elections are held after 6 years. India, China, Mexico, Zimbabwe. बताओ which is the correct option? Listen again, in Mexico, because in Mexico elections are held after 6 years. India 5 years. In Mexico elections are held after every 6 years. So PRI ने dirty tricks, अब आप अपने आप कहोगे कि ये भी true democratic नहीं है। PRI used dirty tricks. क्या क्या करती थी PRI power में रहने के लिए? First of all, तो PRI, leaders of PRI
force the teachers of the schools to compel the parents of the children to pass their vote in the favor of PRL. स्कूल के टीचर्स को फोर्स किया जाता था कि बच्चों के पेरेंट्स को कंपेल करो कि वो अपनी वोट पीआरआई को डालें. एक तो ये. नेक्स्ट, ओपोजिशन पार्टी की मीटिंग्स ही नहीं होने देते थे, उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट कर देते थे, उनकी मीटिंग्स नहीं होने देते थे पीआरआई वाले. एंड ऑन द स्पॉट जाके पोलिंग बूथ चेंज किए जाते थे. पोलिंग बूथ वेयर पीपल ऑन द लास्ट डे ऑफ द इलेक्शन, जो डेट होती है लोग अपनी वोट डालने जहाँ पे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल भी तो बनता है, पोलिंग बूथ बनता है, यहाँ पे लोग वोट डालने आते हैं. जब ये इलेक्शन होते हैं तो स्कूल भी बनता है आपका, तो लोग जहाँ पे वोट डालने जाते हैं ना, उस पोलिंग बूथ को ऑन द स्पॉट चेंज कर दिया जाता है वहाँ पे मैक्सिको में, ताकि लोग इनकन्वीनियंट फील करें, वो दूर दूर जगहों पर जाए ना, वोट डालने ही ना जाए. हमें पता हमने इतने डिस्टेंस पे वोट डालने जाना, तो हम रेडी हैं. हमें ऑन द स्पॉट पता चले कि यहाँ से वो कैंसिल हो गया पोलिंग बूथ, नो यू हैव टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 15 miles, तो आपको 15 miles जाके वोट डालने जाना. मोस्टली कई लोग घरों में वापस चले जाएं तो वो नहीं जाएंगे, तो पीआरआई ऐसे वाले काम करती है. ऑन द स्पॉट पोलिंग बूथ वहां पे चेंज होते थे. तो इन दिस वे पीआरआई ने ना डर्टी ट्रिक्स यूज करके पावर में रही. तो मैक्सिको भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे ट्रू डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि डर्टी ट्रिक्स कभी भी पॉलिटिकल पार्टी, क्या हमारे यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फोर्स करती है लोगों को के कास्ट योर वोट इन द फेवर ऑफ दिस पार्टी? जितने वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मैक्सिको में थे, दे हैव टू कास्ट योर वोट इन द फेवर ऑफ पीआरआई. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तो डालनी किसकी फेवर में थी? पीआरआई की. तो बच्चों के पेरेंट्स तक को फोर्स किया जाता था कि अपनी वोट पीआरआई की फेवर में डालो. तो इट मीन्स फोर्स करके वोट लेना. हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं. इन अवर कंट्री इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिपेंडेंट वे. वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. देयर इज नो आउटर प्रेशर ऑन द वोटर. वोटर कैन कास्ट देयर वोट. समटाइम्स वोटर्स हैव देयर, आप कहोगे कि कई बार उनकी अटैचमेंट अपनी पार्टी के साथ होती है. हमारे यहाँ पे वोटर्स में पार्टी सैनशिप भी होती है, अटैचमेंट, स्ट्रॉन्गली कमिटेड टू वन पार्टी. तो हमारे यहाँ पे वोटर्स कई बार पार्टी को देख के वोट करते हैं, कई बार वो कैंडिडेट को देख के वोट कर देते हैं. मीन्स हमारे यहाँ पे प्रेशराइज नहीं किया जाता टू पास देयर वोट इन फेवर ऑफ दिस पार्टी और दैट पार्टी. नो, टोटली इंडिपेंडेंट है वोटर्स. वोटर्स कैन कास्ट देयर. हमारे यहाँ पे सीक्रेट बैलेट है, पता ही नहीं होता. साथ में जो आपके गया आप उसको बोल लो कि आपने बीजेपी को वोट डाला, चाहे आप अंदर कांग्रेस को डाल के आओ, किसी को क्या पता. ये तो पर्सनल है ना आपका, ठीक है. नो वन एक्सेप्ट इन अवर कंट्री, नो वन एक्सेप्ट वोटर नोज इन हूज फेवर ही और शी हैज कास्टेड हिज वोट. हमारी कंट्री में तो पता ही नहीं किसने किसको वोट डाल दिया. आप मेरे साथ चलो, मैं जाके कांग्रेस को वोट डाल दूं और आके आपको बोलूं मैंने तो बीजेपी को वोट डाला, मींस मैं नहीं बता रही आपको, ट्रू ही नहीं बता रही मैं आपको. मींस मुझे पता है मैंने किसको वोट डाला, ठीक है. मैं बाहर आके जो मर्जी बोल दूं. इन अवर कंट्री नो वन नोज एक्सेप्ट वोटर, नो वन नोज इन हूज फेवर ही और शी हैज कास्टेड वोट. बट यहाँ पे तो फोर्स किया जाता था, पीआरआई फोर्स करती थी टू पास देयर वोट ओनली इन द फेवर ऑफ पीआरआई. पोलिंग बूथ चेंज करना, अपने आप वोट डाल देना लोगों की, लोग इनकन्वीनियंट फील करेंगे, घरों में चले जाएंगे, वोट उनके खुद डाल दो. तो इस वे से आपने एक मूवी देखी होगी लॉयन ऑफ पंजाब, दिलजीत वाली. उसमें बच्चे आपने बूथ कैप्चरिंग देखा होगा. बूथ कैप्चरिंग, कैसे बूथ कैप्चर करते हैं, कैसे वो मसल पावर यूज करके लोगों को वहां से भगा देते थे और फिर खुद उनकी वोट डाल देते थे. उसमें, उस मूवी में सब कुछ दिखाया हुआ है. तो बूथ कैप्चरिंग भी होती है, तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. अगर हमारे यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो भी जाए ना, तो उस एरिए की इलेक्शंस जो है उस एरिया में इलेक्शन कमीशन दोबारा कंडक्ट करवाता है. ये नहीं है कि वो रिजल्ट वो मान जाएंगे, दोबारा इलेक्शंस होते हैं, री इलेक्शंस डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन दैट एरिया वेयर रिगिंग इज डन. जिस एरिया में रिगिंग होती है, फ्रॉड होते हैं, रिगिंग मीन्स फ्रॉड. जिस एरिया में रिगिंग होती है, इलेक्शन कमीशन दोबारा उस एरिया में इलेक्शंस करवाता है. तो ये डिफरेंस है. वो तो खुद फ्रॉड कर रहे हैं, वो तो खुद ही रिगिंग कर रहे हैं. हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है. इंडिया इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में से आपको ये कंट्रीज याद रखनी है. अब मैं कह रही हूँ, इंडिया वी आर फॉलोइंग वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. ऐसे ही है ना इंडिया में, इंडिया में वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू वी आर फॉलोइंग. मीन्स
चाहे कोई ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ द फैक्ट्री है, चाहे वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट, चाहे अंबानीज हैं, कोई भी है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द पर्सन इज सेम। एक रिक्शा वाला ले लो और उधर से अंबानीज ले लो, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द पर्सन, दोनों के वोट की वैल्यू सेम है। ये नहीं अंबानीज है तो उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है और रिक्शा वाला तो उसके वोट की वैल्यू कम है। नो, इंडिया में वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच पर्सन इज सेम एंड हर एक के पास वन वोट है, एक ही वोट है। ये नहीं है किसी को दो दो वोट डालने का राइट है, नो, वन। बट ऐसी कंट्रीज हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रही, बट सेइंग देम एज डेमोक्रेटिक, अपने आप को कहती तो डेमोक्रेटिक है बट नॉट फॉलोइंग दिस फीचर, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इसे फॉलो ही नहीं कर रहे। अब वो कौन सी तीन कंट्रीज हैं आपको वन मार्क में पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट इज फिजी, एस्टोनिया, फिजी वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, अब मैंने ये बोला वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, कहाँ पे? फिजी, एस्टोनिया, नंबर थ्री सऊदी अरेबिया। दीज कंट्रीज आर नॉट फॉलोइंग द फीचर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। इंडिया इज फॉलोइंग और नॉट? इंडिया इज फॉलोइंग और नॉट? इंडिया इज फॉलोइंग। तो ये कंट्रीज फॉलो ही नहीं कर रही, ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या, फिजी में इंडिजीनियस, फिजी में जो इंडिजीनियस फिजी है ना, जिनका बर्थ ही वहां पे हुआ, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिजीनियस, एज कंपेयर टू इंडियन फिजी। अब एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे माइग्रेट होके चले गए फिजी, आप हो गए इंडियन फिजी, आप क्या बन गए वहां पे जाके? इंडियन फिजी। और आप ही का वहां पे फ्रेंड बन गया, वो उसका बर्थ भी वहीं पे हुआ, फिजी में ही हुआ, वो हो गया इंडिजीनियस फिजी। आप हो इंडियन फिजी, वो है इंडिजीनियस फिजी। जैसे हम इंडिजीनियस इंडियन है, हमारा बर्थ प्लेस इंडिया था, इंडिजीनियस इंडियन है, जो वहां के हैं उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडियन फिजी। इंडियन फिजी के वोट की वैल्यू कम रखी हुई है, ठीक है? इट मीन्स ये लोग वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे। नेक्स्ट एस्टोनिया, एस्टोनिया में रशियन जो है ना, रशिया के लोग जो रहते हैं एस्टोनिया में, रशियन रहते हैं, वो माइनॉरिटी में। इन एस्टोनिया रशियंस आर इन माइनॉरिटी। इंडिया में सिख माइनॉरिटी में है, इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, क्या हमारे हमें इक्वल राइट नहीं मिले हुए सिख और मुस्लिम्स को? सबको इक्वल राइट दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, इक्वल वैल्यू ऑफ वोट है सबकी। इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना कि किसी के वोट की वैल्यू कम कर दी, ये वाले लोग माइनॉरिटीज में है, ऐसा नहीं है। एस्टोनिया ने रशियन जो है ना वहाँ पे, वो माइनॉरिटी में, और माइनॉरिटी वाले जो रशियन है ना, उनको बहुत मुश्किल से राइट टू वोट मिलता है, पहले तो मिलता ही नहीं है, बहुत एफर्ट्स करने के बाद उन्हें राइट टू वोट मिलता है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस काफी फॉलो करने के बाद। पीपल रशियन माइनॉरिटी वाले जो लोग है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल जो कि रशियन माइनॉरिटी वाले हैं, रशियन माइनॉरिटीज, टू गेट राइट टू वोट इन एस्टोनिया। उन्हें राइट टू वोट बहुत मुश्किल से मिलता है रशियन माइनॉरिटी वालों को। नेक्स्ट सऊदी अरेबिया। इंडिया में बताओ कि वुमेन के वोट की वैल्यू सेम है ना एज कम्पेयर टू मैन? सेम है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है ना इंडिया में? यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, टू वुमेन की वोट एक मेल के बराबर, टू वुमेन की वोट एक मेल के बराबर रखी हुई है। मीन्स इन्होंने डिस्क्रिमिनेट किसको किया? वुमेन, वुमेन को लो रखा, इंफीरियर रखा, मैन को सुपीरियर रखा, टू वुमेन के वोट की वैल्यू कंपेयर कर दी एक मेल के साथ। तो इट मीन्स ये कंट्रीज, तीनों कंट्रीज क्या नहीं फॉलो कर रही, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, ऐसे नहीं फॉलो कर रही। इंडिया इज फॉलोइंग द सिस्टम, तो इंडिया इज ट्रू, फिर मैं कहूँगी इंडिया इज ट्रू डेमोक्रेटिक, इस सिस्टम में भी इंडिया हमारा पास है। नेक्स्ट, ये कंट्रीज फेल, डेमोक्रेटिक होके भी फीचर्स फॉलो नहीं कर रही। फिर है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स।
इंडिया में हमारी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है, ऐसे ही है ना? इंडिया में जजेस के डिसीजन को हम चेंज कर सकती है हमारी गवर्नमेंट? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सुपीरियर मानते हैं, हम हमारी सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में कर सकती है? नो. इंडिया में जुडिशरी के डिसीजंस को प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है? इंडिया में रेयर केसेस प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, रेयर केसेस, ठीक है, बट सारे केसेस तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के पास नहीं ना जा रहे. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है ना. इन इंडिया जजेस कैन गिव देयर डिसीजंस इन एन इंडिपेंडेंट वे. उनके ऊपर रूलिंग पार्टी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का कोई प्रेशर तो नहीं होता? नहीं. इंडिया में अवर जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक है. तो रूल ऑफ लॉ वी आर फॉलोइंग. इंडिया में हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रॉपर मिलते हैं, हम इंजॉय करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स. अगर हमारा कोई भी राइट वायलेट कर दे, कोई भी, मे बी फेलो बीइंग सोसाइटी और गवर्नमेंट आल्सो, अगर हमारा फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट भी वायलेट करती है, तो पर्सन कैन गो टू कोर्ट. क्योंकि हमारे फ्रेमर्स ने हमें एक ऐसा राइट दिया जिसके थ्रू हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट. कौन सा राइट है वो? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. तो वो राइट सबका प्रोटेक्टर है. हमें 6 राइट्स मिले ना, 5 राइट्स जीरो हो जाते क्योंकि ये हीरो राइट है. कौन सा राइट हीरो है? प्रोटेक्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो हीरो राइट है. बाकी राइट उसके बिना जीरो है. अगर हमें प्रोटेक्शन ना देती गवर्नमेंट, तो हमारे तो राइट कोई भी वायलेट करता, कल को गवर्नमेंट ही कर देती वायलेट. क्यों? उसने वायलेट नहीं किए थे हिटलर ने? आते ही सबसे पहले सिविल लिबर्टीज छीनी थी लोगों से, पता है ना? मीडिया की फ्रीडम छीन ली थी, जुडिशरी अपने अंडर कर ली थी. तो हमारी भी गवर्नमेंट कर सकती है सब कुछ, बट ऐसा नहीं है इंडिया में. इंडिया में रिस्पेक्ट फॉर राइट्स भी है, ठीक है. इंडिया इस चीज में भी पास है. कौन फेल है? जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे में ये नहीं फॉलो किया गया. जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी से फ्रीडम मिली, ठीक है, वाइट माइनॉरिटी. इंडिया को भी तो वाइट माइनॉरिटी से ही मिली थी फ्रीडम. ब्रिटिश इंडिया में माइनॉरिटी में थे ना कि मेजोरिटी में थे? माइनॉरिटी. तो इनको भी वाइट माइनॉरिटी से फ्रीडम मिली, जिम्बाब्वे को. इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में कांग्रेस ने पार्ट लिया. कितने साल कांग्रेस हमारी कंट्री में डोमिनेटिंग पार्टी रही है? बीजेपी तो बाद में आई है, पहले कांग्रेस ही रही है, अकेली पार्टी रूल करती रही है इंडिया में. कितने साल अकेली ने रूल किया? 30 ईयर्स तक कांग्रेस रूल करती रही है इंडिया में. और पार्टीज नहीं थी तब इंडिया में, बिगनिंग की बात कर रही हूँ. तो कांग्रेस ने, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्ट लिया था, तो बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के ही थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे. सेम एज इन जिम्बाब्वे, वहां पे ज़ेनु पैफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी. इसने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्ट लिया जिम्बाब्वे में. जिम्बाब्वे में इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. इसने पार्ट लिया ज़ेनु पैफ में. अब जब फ्रीडम मिली तो इस पार्टी का लीडर रॉबर्ट मुगाबी, रॉबर्ट मुगाबी, जैसे मैंने बोला हमारे पंडित नेहरू, यहाँ पे रॉबर्ट मुगाबी, ही बिकेम द प्रेसिडेंट. रॉबर्ट मुगाबी आफ्टर फ्रीडम प्रेसिडेंट बन गए. अब रॉबर्ट मुगाबी ने क्या क्या किया? सबसे पहले तो इस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए एंड इंक्रीज द पावर ऑफ रॉबर्ट मुगाबी. इंडिया में ऐसे होता है? कांग्रेस इज, बीजेपी इज रूलिंग पार्टी, तो कल को बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके मोदी की पावर्स को इंक्रीज कर सकती है? नो. इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए और पावर बढ़ा दी मुगाबी की. अब उन पावर्स के अकॉर्डिंग मुगाबी क्या क्या कर सकता था? सबसे पहले तो उसने कहा कोई भी ओपोजिशन पार्टी, उसको राइट ही नहीं है रैलीज करने का. उसने कहा लोग मेरी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. पीपल नो राइट्स वर गिवन टू द पीपल टू क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया में लोग क्रिटिसाइज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक डिक्लेयर करते हैं, धरने देते हैं. किसान बैठे नहीं हुए प्रोटेस्ट पे? इंडिया में तो सब कुछ दिया हुआ है राइट. सुप्रीम कोर्ट खुद किसान की फेवर में कह रही है, किसानों की, कि दे हैव राइट, उनको राइट है, दे कैन प्रोटेस्ट. तो इंडिया में तो सब कुछ मिला हुआ है. वेयर एज इन इस कंट्री में सबसे पहले तो इस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए, पावर बढ़ा दी इसकी मुगाबी की. कहा कि लोग क्रिटिसाइज ही नहीं करेंगे गवर्नमेंट को. साथ में कह दिया कि
ये जो ओपोजिशन पार्टी है वो अपनी रैलीज नहीं करेगी, मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। मीडिया कुछ वहां पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे, बट वो जर्नलिस्ट जो थे ना उनको कहा गया कि दे वुड नॉट राइट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे वुड नॉट राइट एनीथिंग दैट स्पॉइल द इमेज ऑफ रॉबर्ट मुगाबी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे जिससे रॉबर्ट का इमेज स्पॉइल हो जाए। अगर वो करते तो उन्हें पनिशमेंट्स मिलती थी। जुडिशरी के आप कहोगे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहने दी जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए। मुगाबी जो था वो चेंज कर सकता था किसके डिसीजन को, जजेस के डिसीजन को। मुगाबी वॉज गिवन राइट टू चेंज द डिसीजन ऑफ द जजेस। तो अपने आप सोचो वहां पे लोगों के राइट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं थी, मींस से कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए। पीपल वर नॉट गिवन राइट टू क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, मींस लोगों के राइट वायलेट किया। जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रही, मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, ओपोजिशन पार्टी को राइट नहीं दिया, ये सब कुछ इन्होंने किया। तो जिम्बाब्वे आपको कहीं से भी ट्रू डेमोक्रेटिक लगा नहीं, क्योंकि उन्होंने भी डर्टी ट्रिक्स यूज किए, सच एज पीआरआई ने भी डर्टी ट्रिक्स यूज किए। इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही पावर्स इंक्रीज कर दी। किसकी पावर्स को इंक्रीज किया? रॉबर्ट मुगाबी की पावर्स इंक्रीज करके बैठ गए। तो इट मींस कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे में भी प्रॉब्लम्स आई, जिम्बाब्वे ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा।